ये डोलू की डांट पड़ते हुए। डोलू सामने आओ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, आज तारीख है 21 तारीख, 21 जनवरी, और दिन है फ्राइडे। तो एक्चुअली छोटी सी बात ये है कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को बाहर का मन नहीं कर रहा खाने का। तो मम्मी ने खिचड़ी बनाई है, तो मुझे तो खिचड़ी विचड़ी पसंद नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ अपनी बुआ के घर। वहाँ एक तो राजमा चावल वगैरह बने हैं, और मैंने बुआ से एक स्पेशली डिश बनवाई है जिसका नाम है इडली। तो मैंने कहा बुआ आप फ्राइडे इडली बनाइएगा, तो मैं आऊँगा खाने। और ऐसा नहीं है कि मैं खाने के लिए ही जा रहा हूँ, बुआ के कुछ काम भी हैं। तुम्हें पता ही है, पिछले मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा आपने कि उनको फ्रैक्चर हो गया था, तो इस वजह से अब उनका ठीक है पहले से। तो उनको कुछ बाहर के बैंक्स वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करनी है, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ वहाँ पर। तो मैंने कहा बुआ आप इडली बना लेना, तो चलिए चलते हैं, आपको मिलता हूं मैं थोड़ी देर बाद। और ये बना हुआ आ रहा है, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको फॉलो कर लो जितना हो सके, और वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें। तब तक के लिए तो दोस्तों मैं आ गया हूँ बुआ के घर पे, और ये हम धूप में बैठे हैं, हमारी बुआ है। और इसे देख, इसे जानते ही हो गया डोलू को। अब तो ढोलू है ही, तो ढोलू नया नाम क्या है? तो खाते हैं, पहले कुछ खाते हैं बुआ के यहाँ पर, आगे बुआ हम भुक्कड़। तो चलिए चलते हैं। ढोलू है, ढोलू ये ढोलू हमारे लिए पानी लेकर आया है। है भाई ढोलू, नॉर्मली पीता हूँ, मतलब गर्म तो मुझे आदत नहीं है। थर्सडे कल था, तो देख रहे हो दोस्तों आप, सोसाइटी हमारे बुआ के इतना अच्छा है, यहाँ पर हरियाली, मतलब हरियाली है, हरियाली है और बिल्कुल प्रदूषण से रहित है, कोई प्रदूषण नहीं है, कोई। आप यहाँ देखो, यहाँ पर भी ना पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। दोस्तों आज की मैं तुम्हें एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत फनी है। मतलब आज मेरा प्रैक्टिकल था, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, ऑनलाइन था, वाइवा था। तो अब मैं तो जो है रात में, तुम्हें बताइए वीडियो एडिटिंग करने वालों को या यूट्यूबर की क्या लाइफ होती है, रात में भी जगना पड़ता है, दिन में भी काम करना पड़ता है। तो मैं 4 बजे तक जग रहा था, और एडिटिंग वेडिटिंग करके वीडियो अपलोड करी थी, आपने देखी होगी अस्तपुर वाली। तो लेट उठा था, 10:30 बजे 11 बजे करीब, मेरे दोस्त का फ़ोन आता है, उसका नाम तात्या बिच्छू है। तो उसने मेरे को उठा दिया कि भाई क्या कर रहा है, सो रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है, उठ जा। तो एकदम मैं जो है नींद में एकदम उठकर प्रैक्टिकल देने बैठ गया बस। लेकिन प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हुआ। तो जैसा खाना मुझे पसंद है ना, मतलब हमारा दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह ये सब, मट्ठा वगैरह, तो इस वक्त मुझे वो ही मिला है, और मैं इतना खुश हूँ, मज़ा आ रहा है खाने में भी। देखो आप, वो बात अलग है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट स्टिल पूरी तो मैं हुई, तुम्हें पता ही है। और ये हमारा ढोलू, ये कल आया है? अच्छा, कहाँ गए? क्या कहते हैं बताओ, बता क्या कहते हैं? तिल के, गोंद के, और क्या था? देखो दोस्तों, बुआ ने हमारी लड्डू बनाए हैं, दूध और दही खाने, तो बताओ क्या था वैसे? तो चलो अपनी मील को एंजॉय करते हैं, और आपसे मिलते हैं खाने के बाद। तो अगर मेरी फ्यूचर वाइफ अगर ये वीडियो या मेरा ये ब्लॉग देख रही है, तो हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसा डिलीशियस खाना बनाना सीख लेना, लियो तो नहीं कहूँगा, तो ले लेना, और ऐसे ही खाना बना बना कर मेरे को देना। तो चलते हैं,
खाते हैं अपनी। और ये हमारे इसको ढोलू को तो आप जानते हो, ढोलू ढोल हमारा। तो दोस्तों अब बैंक की फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी कर ली हैं और अब इस व्लॉग का स्पेशल पार्ट आने वाला है, वो है हमारी बुआ हमारे लिए इडली बनाने वाली हैं। है बुआ ये ढोल ढोल इतना खुश हो रहा है। अब मैं इडली बनाऊंगी क्योंकि मेरा डॉग पक्का तैयार है और बस अभी हम चलते हैं अपनी किचन की ओर, तब हम आपको दिखाएंगे इडली बनाकर। ठीक है हाँ भाई ढोलू एक्साइटेड? यस। हाउ मच? बहुत सारा। ओके जो चलो वेटिंग करते हैं इतने। तो दोस्तों मैं और बुआ गए थे हम बैंक में, तो इन भाई साहब ने क्या करा, शक्ल दिखाओ, ऐसे क्यों शक्ल दिखाओ अपनी डोलू। भाई साहब जी ने मैगी बना के बैठ गए। तुझे कुछ सिखाने का नहीं हूं मैं, खाना वाना कुछ बना के नहीं सिखाने का, तू तो कभी भी कुछ बना के बैठ जाएगा। तो क्या अच्छी बात है, अपना फायदा कर रहा है इसमें तू। अगर पापा मम्मी के लिए बना हुआ बढ़िया करके तो बात अलग है। मम्मी पापा खाते ही नहीं। तो मैगी की बात नहीं कर रहा, सब्जी वाली खाते हैं। हाँ तो सब्जी बना दिया कर, सब्जी रोटी बना दिया कर। सब्जी वाली मैगी खाते हैं। अच्छा ये भी सही, तूने खा ली? तो चलो दोस्तों ये भाई साहब हमारे लिए भी लाए हैं, तो हम भी बताते हैं भाई साहब जी ने कैसी बनाई है ढोलू ने हमारे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ढोलू ने बहुत अच्छी मैगी बना रखी थी, बोल रहा था कि मैंने जल्दी जल्दी बनाई है ताकि मम्मी आके मुझे डांट ना दे कि क्या कर रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी बहुत अच्छी बना रखी थी, टेस्ट अच्छा आ रहा था। तो वेटिंग है हमारी फाइनल मील का। अब आप भी बोलोगे भाई कितना खाता है कितना खाता है। देखो दोस्तों ये मैं यहाँ पर 12 बजे से हूँ और अब देख लो 4 बजने वाले हैं और ज़्यादा नहीं खा रहा, थोड़ा थोड़ा ही खा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों मैंने लाइफ में पहली बार रील्स बनाई हैं, तो जाकर इंस्टाग्राम पर मेरे देखना electronicsdip.in। और अब हमारी इडली भी बन गई हैं, तो चलिए चलते हैं खाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो नॉर्मल इडली भी है और फ्राइड इडली भी है। ढोलू। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो हमारी आ गई है फाइनली, और ये ढोलू को डांट पड़ती रहती है ढोलू। तो दोस्तों हमने खा लिया इडली, बुआ ने बहुत ही बढ़िया इडली बनाई थी और राजमा चावल भी बहुत बढ़िया बने थे। थैंक यू सो मच बुआ फॉर दिस इडली। बच्चों का क्या थैंक यू होता है, अच्छी बल्कि मम्मी को बुआ को तो अच्छा ही लगा। हां वो तो कह रहे हैं, लेकिन मैं आप जरूर बोल रहा हूं वेरी डिलीशियस। तो दोस्तों चलिए चलते हैं बुआ से बनाएंगे फिर चलते हैं। अच्छा बुआ नमस्ते। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। नमस्ते। हां भाई ठीक है, लड़के मिलते हैं फिर। बाय-बाय।